वाइज एजुकेशन जावा के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, डिफरेंट वेज टू डिक्लेयर मेन मेथड इन जावा, कि हम जावा के अंदर मेन मेथड को कितने तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि मेन मेथड को हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मेन मेथड में पब्लिक का क्या रोल रहता है, स्टैटिक का क्या रोल रहता है, वॉइड का क्या रोल रहता है, मेन का क्या रोल रहता है, और जो पैरामीटर लिस्ट आती है हमारे स्ट्रिंग टाइप की, हम इसको क्यों लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग हमारा डिफॉल्ट प्रोटोटाइप भी बोलते हैं या स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप भी हम इसको बोलते हैं। हमारा जो बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन का जो कंपाइलर होता है, सबसे पहले इसी जो प्रोटोटाइप है, या हम कह सकते हैं कि इसी सिंटैक्स से, इसी सिंटैक्स को सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करता है। अगर ये सिंटैक्स नहीं मिलता तो आगे के जितने भी सिंटैक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनमें से कोई भी अगर मिल जाए तो उसको भी वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये हमारा डिफॉल्ट था, ये सिंटैक्स जो हम प्रोग्राम हर प्रोग्राम में हम लोग काम में लेते हैं। सेकेंड क्या है कि फ्रेंड्स, हम लोग जो हमारे मॉडिफायर्स हैं, उन मॉडिफायर्स का हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्टैटिक हम लोग पहले ले सकते हैं, पब्लिक हम बाद में ले सकते हैं, जबकि ऊपर वाले एग्जांपल में आप देखिए कि पब्लिक हमारे पहले है और स्टैटिक हमने बाद में लिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं पर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो हम जो हमारा जो पैरामीटर लिस्ट है, स्ट्रिंग एरे जो हम आर्ग्यूमेंट में लेते हैं, इसमें भी कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिंग, फिर हम लोगों ने एरे ब्रैकेट्स लिए हुए हैं, उसके बाद ARGS लिखा हुआ, ये हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न है, स्टैंडर्ड पैटर्न को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम एरे जो हमारे ब्रैकेट्स हैं उनको ARGS से पहले उसके साथ लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम ARGS के बाद भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा हम लोग स्ट्रिंग डॉट 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 ARGS भी लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यूज़ ओनली 3 डॉट्स, सिर्फ आपको 3 डॉट्स ही काम में लेने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अभी तक के ये इस वाले प्रोग्राम को रन करवाने की कोशिश करते हैं और इस वाले प्रोग्राम को रन करवाने की कोशिश करते हैं। ये सारे प्रोग्राम से हम एक बार रन करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम है, मुझे एक बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, ई ड्राइव के अंदर मेरा एक फोल्डर है जावा प्रोग्राम्स के नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया। अब वहाँ पर सबसे पहले मेरा प्रोग्राम है, स्टैटिक पब्लिक मैंने लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक की जगह इस प्रोग्राम को रन करवाने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ, पहले कंपाइल कराता हूँ, जावा सी, प्रोग्राम का नाम मेरा सिंपल है, सिंपल डॉट जावा, इसको लिखूंगा, एंटर करूंगा, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। और कंपाइल होने के बाद मैं लिखूंगा जावा सिंपल, प्रोग्राम मेरा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ये जो मेरे ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स को मुझे यहाँ पर लिखना है, प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के बाद स्क्रीन को मैं फुल कर देता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं फिर से अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराता हूँ, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं सेकेंड जो पैटर्न है उसको काम में लेता हूँ। यहाँ से इन ब्रैकेट्स को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर लिख के मेरे प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, पहले कंपाइल करना है, कंपाइल करवाता हूँ, कंपाइल मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली हो जाएगा और इसको मैं अब रन करवाने की कोशिश करता हूँ, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ARGS की जगह मैं यहाँ पर कोई दूसरा नाम भी लिखूंगा तो दूसरा नाम भी है मेरा, वो सक्सेसफुली काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब मुझे यहाँ पर 3 डॉट्स को काम में लेना है, मैं यहाँ पर 3 डॉट्स को भी काम में ले सकता हूँ। ये 3 डॉट मैंने लिखा, प्रोग्राम को मैंने सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद फिर से मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मेरा प्रोग्राम इजीली कंपाइल हुआ, प्रोग्राम को रन किया, मेरा प्रोग्राम इजीली रन भी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर मैं फाइनल जो कीवर्ड है उसको भी काम में ले सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव किया, सेव करने के बाद इसको हमने चलाया, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हुआ और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं यहाँ पर भी फाइनल को काम में ले सकता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद वापस से कंपाइल किया, कंपाइल करके फिर से इसको मैंने रन किया। ठीक है, ये मैंने रन किया, मेरा सक्सेसफुली रन हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ पर फाइनल यूज में लिया है और यहाँ पर भी हमने फाइनल यूज में लिया है।
इसके अलावा फ्रेंड कुछ और कीवर्ड्स हैं जो हम लोग काम में ले सकते हैं, जैसे मैं काम में ले सकता हूँ सिंक्रोनाइज्ड, मैं काम में ले सकता हूँ। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एफपी मैं काम में ले सकता हूँ, या फिर मैं एक ही सिंटेक्स में सिंक्रोनाइज्ड भी काम में ले सकता हूँ, स्ट्रिक्ट एफपी भी काम में ले सकता हूँ, और उसी के अंदर मैं फाइनल भी काम में ले सकता हूँ, तो भी मेरा प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।